आपके हाथ में चोट लगी थी ना? झूठ बोलकर मैंने इतने लेकर आए। रतन जी, मैं आपको आपके दर्द से बाहर निकालना चाहता था, इसलिए मैंने वो, इसलिए आपने झूठ बोला। झूठ बोलकर मैंने इतने लेकर आए। भी आ गई चुपचाप आप पर विश्वास करके। बरसों बीत जाते भरोसा जीतने में, बहुत बड़ी कीमत होती है भरोसे की। जिसको किसी भी वजह से हो ना, उसका अपमान करना होता है। आप जिस दर्द से मुझे बाहर निकालना चाहते हैं ना, उस दर्द की शुरुआत भी एक झूठ से हुई थी। एक झूठ, एक धोखा। आज मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर लूं, लेकिन झूठ नहीं। अपना भरोसा टूटना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तो इस तरह से करके चार दीवारी में बैठे बैठे घुट घुट कर कैसे जिएगी तू? चंगी गल नहीं है पुत्र, जरा बाहर जा, ताजी हवा खा, तेरे को अच्छा लगेगा पुत्र। चाय जी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं घर पर ही ठीक हूँ। चल ठीक है, पर मेरा एक काम तो कर सकती है ना, जाकर सब्जी ले। घर में सब्जी नहीं, जा। बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैंने बस मेरे हाल पे छोड़ दो। चाय जी, चाय जी, वो घर, वो बाहर, यानी घर पे सामान इधर से उधर रख रहा था, बक्सा हाथ पे गिर गया। बहुत बहुत गहरी मोच लगी चाय जी। कुछ दवाई शवाई लगाई तूने? चाय जी, वो लगाने के लिए, पर वो, अरे पर तू दर्द बर्दाश्त क्यों करता है निहाल पुत्र? दवा तो फौरन लगा लेनी चाहिए थी तेरे को। रतन, अंदर से बाम लेकर तू इधर बैठ। तुम लोग भी ना, कितने लगी बता मेरे को। कहीं दर्द नहीं हो रहा चाय जी। हैं? ठीक है हाथ। मतलब? चाय जी, आप लगा दीजिए ना। हाँ, ये बाम लगाकर डॉक्टर को दिखाइए, कोई गहरा नुकसान ना हो। ओ नहीं जी, बरसात आने वाली है, मतलब बरसात से पहले खेत जोतना जरूरी है, नहीं तो वो बरसात वाली फसल नहीं उगा पाएंगे जी। और ये चोट भी आज ही लगनी थी चाय जी, और पर परेशानी तो ये है कि मैं जी ट्रैक्टर नहीं चला पाऊंगा। दशरथ, तू तू चाहता क्या है पुत्र? चाय जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो जोतना बहुत जरूरी है, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रतन जी,
एक ही रास्ता है। आपको तकलीफ देना ठीक नहीं होगा, पर आप चल के खेत जोत लीजिए। गल तो तू बिल्कुल सही कर रहा है पुत्र, काम करना तो जरूरी है, पर बरसात से पहले पहले तो खेत जुट जाने चाहिए। देखना तेरे हाथ में इतनी गहरी मोच आई है, उस पर सिर्फ ट्रैक्टर चलाना, खेत का काम करना कैसे कर पाएगा तू पुत्र? की करा रहा था? आप दो मिनट रुकिए, मैं ट्रैक्टर की चाबी लेकर आती हूँ। काम लगा दीजिए। हाँ हाँ लगा देती हूँ। ये काम तेरे से वह कोई करा ही नहीं सकता था। जानता रहे। बाम लगा। चाची। जी। निहाल सिंह जी आप बेकार ही हैं। घर पे रहते तो आपको आराम मिलता थोड़ा सा। रतन जी, एक किसान मजदूर आदमी को उसके खेतों से ज्यादा आराम कहाँ मिलेगा? मैं सामने पेड़ के नीचे बैठता हूँ, आप ट्रैक्टर जोत लीजिए। पर उसकी की जरूरत है? आप घर जाकर आराम कीजिए ना, मैं खेत संभाल लूंगी। रतन जी मैं जानता हूँ आप सब संभाल लेंगे, पर अगर आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मतलब हाथ में चोट लगी है पर बाकी सब तो ठीक है ना जी। मैं बैठता हूँ जाके, आप खेत जोत लो। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपको तकलीफ हो तो आप घर चले जाइए। आपके हाथ में चोट लगी थी ना? झूठ बोलकर मैंने इतने लेकर आए। क्यों? रतन जी मैं आपको आपके दर्द से बाहर निकालना चाहता था, इसलिए मैंने वो इसलिए आपने झूठ बोला। झूठ बोलकर मैंने इतने लेकर आए। भी आ गई चुपचाप आप पर विश्वास करके, बरसों बीत जाते भरोसा जीतने में। बहुत बड़ी कीमत होती है भरोसे की, जिसको किसी भी वजह से खोना अपमान करना होता है।
आप जिस दर्द से मुझे बाहर निकालना चाहते हैं ना, उस दर्द की शुरुआत भी एक झूठ से हुई थी। एक झूठ, एक धोखा। आज मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, लेकिन झूठ नहीं। अपना भरोसा टूटना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं।